अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्लेवरफुल। अगर आप हेल्दी एंड टेस्टी फूड रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी, गुर्दा और गोश्त की मिक्स रेसिपी। आमतौर पर घरों में हम सिर्फ कलेजी या अलग से गोश्त की रेसिपी बनाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप कलेजी के साथ मिक्स करके गोश्त और गुर्दा बना सकते हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी है, यकीन के साथ कहती हूँ, अगर एक दफा आपने ये रेसिपी बना ली तो आम रूटीन में भी यही रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कलेजी 1 kg, गुर्दा 1/2 kg, गोश्त 1/2 kg लिया है। तकरीबन सारी चीजें मिलाकर 2 kg हो गई हैं। इन सब चीजों को मैं ऑलरेडी वॉश कर चुकी हूँ। करते हैं फ्लेम ऑन, पतीले में डाल दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी इसमें जाएगा 2 जग। इसके बाद इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 2 tablespoon, पिसी हुई सुर्ख मिर्च पाउडर 3 tablespoon, हल्दी पाउडर 1 tablespoon, नमक जाएगा इसमें 1.5 tablespoon, प्याज जो हमने ली है इसमें 1/2 kg कट कर ली है। सारे मसाले डालने के बाद प्याज ऐड करेंगे, क्योंकि पानी गर्म हो गया है इसका, इसमें प्याज जल्दी गल जाएगी। अब इसमें ऑयल जाएगा 2 cup। अब कर देंगे कवर, 40 से 50 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 40 से 50 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे दही। दही जाएगा इसमें 1/2 kg। फ्लेम हमने कर लिया है मीडियम और इसकी करनी है भुनाई अच्छी से। इसमें साबुत हरी मिर्च जाएंगी 5 से 6 अदर। 10 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है, फ्लेम स्लो करना है क्योंकि कलेजी के ऊपर ऑयल बहुत कम आता है। फ्लेम ऑन करेंगे तो मजीद ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये ऑयल आ चुका है, अब करते हैं सर्व। टेस्ट करते हैं गोश्त के साथ। जब आप भी कलेजी पकाएंगे बाकी सब भूल जाएंगे। मेरी रेसिपी ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।